आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग चैप्टर लेकर के। AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का ये चैप्टर है। सबसे पहले आपको अपने AWS अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, S3 बकेट पे क्लिक करना है। नोटिस करिए, हमने बकेट बनाया था जस्ट AWS के नाम से। तो ये जब हमने बकेट बनाया था, यानी कि क्रिएट बकेट पे क्लिक करिए, तरह बकेट बनाते समय हमने ACL को डिसेबल रखा था। तो जब भी आप ACL को डिसेबल रखते हैं तो इसमें जो भी फाइल्स आप अपलोड करते हैं वो सब प्राइवेट होता है। इसको सर्व करने के लिए, अगर हमें प्राइवेट फाइल को किसी को सर्व करना है तो कैसे सर्व करते थे हम, इसके लिए प्री साइंड URL जनरेट करते थे। तो URL आपने यहाँ से भी जनरेट करना सीखा था और CMD से भी जनरेट करना सीखा था। तो अभी हमने ACL डिसेबल्ड वाले बकेट पे तो काम किया, लेकिन अभी तक हमने ACL इनेबल्ड वाले बकेट पे काम नहीं किया है। क्रिएट बकेट पे क्लिक करिए और यहाँ पर बकेट का नाम दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोड जस्ट दे दिया, तो कुछ भी नाम दे दीजिएगा। बस ये जो है, अगर कहीं पर भी होगा बकेट क्रिएटेड तो ये एरर करेगा, बकेट क्रिएट नहीं होगा, आपको बताया जाएगा कि बकेट का नेम मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको नेम चेंज करना होगा। फिलहाल मैंने कोड जस्ट दे दिया। नीचे की तरफ आइए, ACL डिसेबल्ड करके हमने बकेट क्रिएट किया था पहले भी, अभी हमें ACL इनेबल करके काम करना है। लेकिन उससे पहले देख लीजिएगा कि आपका जो बकेट है, यानी कि जो आपका डेटा सेंटर है, वो सही से सिलेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पर सेलेक्ट देखिएगा, और मेरे केस में मैंने एशिया पैसिफिक मुंबई, यानी कि AP साउथ वन रीजन वाला डेटा सेंटर लिया है। आपके केस में जो भी आपको बताया गया होगा, जो भी आपको रिकमेंड किया गया होगा प्रीवियसली, उसी को सिलेक्टेड रहने दीजिएगा। यहाँ पर अभी हमें क्लिक करना है ACL इनेबल्ड पे, यानी कि अब हमें बकेट जो क्रिएट करना है वो ACL इनेबल करके क्रिएट करना है। ACL डिसेबल्ड करके जब आप बकेट क्रिएट करते हैं, तो जब भी आप फाइल अपलोड करते हैं तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि जो फाइल अपलोड होगा वो पब्लिकली अपलोड होगा या प्राइवेटली अपलोड होगा, यानी कि उसको हमें पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। अगर आपने इसको सेलेक्ट करके और क्रिएट किया तो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे अपलोड करते समय। समझ में आ जाएगा डिसीजन का मतलब क्या है, यानी कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। इस पे क्लिक करिए, ACL इनेबल्ड पे। ठीक है, तो जब आप ACL इनेबल्ड करके बकेट क्रिएट करते हैं तो अपलोड करते समय ही आप डिसीजन ले पाएंगे कि जो फाइल या जो डेटा अपलोड हो रहा है वो पब्लिकली अपलोड होगा या प्राइवेटली अपलोड होगा, ACL इनेबल्ड करके अगर आप काम करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको नोटिस करिए, बकेट यही सिलेक्टर रहने दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अपलोड करने के बाद उसको पब्लिक करना, प्राइवेट करना, या जो भी है, जो बकेट ओनर है वही सिर्फ कर सके। आप जिससे शेयर कर रहे हैं चीजों को वो कुछ ना कर सके, इसीलिए हम बकेट ओनर को प्रीफर्ड रखेंगे, इसी को सिलेक्टर रहने दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे और याद रहे, ये आपका तभी काम करेगा ACL इनेबल जब आपने इसको इनेबल कर रखा हो, यानी सॉरी इसको डिसेबल कर रखा हो, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको अगर आपने डिसेबल्ड किया है तभी आपका ACL इनेबल्ड काम करेगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब तक आप इसको डिसेबल्ड नहीं करेंगे, यानी कि इसको अनचेक नहीं करेंगे, तो आपका ACL इनेबल्ड काम नहीं करेगा। ACL इनेबल्ड क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम अपलोड करते समय डिसीजन ले सकें कि जो हमारा फाइल अपलोड होने जा रहा है वो प्राइवेट अपलोड होगा या पब्लिक अपलोड होगा। समझ में आ जाएगा, पहले तो इसको अनचेक कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक करिएगा, यानी कि इसको चेक कर दीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद वर्जन को इनेबल आपको कर देना है। वर्जन इनेबल करने के बाद आपको बकेट को क्रिएट कर देना, और कुछ नहीं करना है। नीचे की तरफ आइएगा, डायरेक्टली आप क्रिएट बकेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, एक बकेट क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, बकेट क्रिएट हो चुका है कोड जस्ट के नाम से। जो पहले आपने बकेट क्रिएट किया था जस्ट AWS के नाम से, उस पे जरा क्लिक करिए, और यहाँ पर आप अपलोड पे क्लिक करके कुछ फाइल ऐड करिए। जैसे मैंने ऐड किया, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है, लोगों के नाम से या क्लॉक के नाम से मेरे पास फाइल पड़ा हुआ, ओपन कर लेता हूँ मैं। देखिए जरा, ओपन करेंगे तो नीचे की तरफ आइएगा, परमिशन आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस बकेट हैज द बकेट ओनर इन्फोर्स सेटिंग अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट ओनरशिप, यूज बकेट पॉलिसीज टू कंट्रोल एक्सेस। यानी कि आप अपलोड करते समय कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि जो फाइल अपलोड किया जा रहा है वो प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा, क्योंकि आपने बकेट क्रिएट करते समय ACL को डिसेबल्ड रखा था। तो जब आप ACL को डिसेबल्ड रखते हैं तो यहां से आप परमिशन से जाकर के चेंजेस नहीं कर सकते कि जो फाइल अपलोड होने जा रहा है क्लॉक डॉट पीएनजी वो पब्लिकली अपलोड होगा या प्राइवेटली अपलोड होगा। लेकिन यही चीज अभी जो हमने बकेट क्रिएट किया था, इसको तो बैक कर लीजिएगा, कोड जस्ट के नाम से, कोड जस्ट के नाम से अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बकेट क्रिएट किया था। पहले तो आप बकेट पे क्लियर करिएगा, और ये रहा कोड जस्ट, इस पे क्लिक करिएगा। इसको बकेट, यानी कि ये जब हमने बकेट क्रिएट किया
तो हमने ACL को इनेबल रखा था। अपलोड पे क्लिक करिए और यहाँ ऐड फाइल पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप पे ही जा करके आप फाइल सेलेक्ट करिए, जैसे मैंने ये कॉलॉग और ओपन कर दिया। ठीक है, आगे अभी आप नीचे आइएगा और ये रहा परमिशन, इस पर क्लिक करिएगा। तो देखिए जरा एक्सेल एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपको पब्लिक रखना है इस फाइल को या प्राइवेट रखना है। ठीक है, तो अगर आप इंडिविजुअली किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर इसको सेलेक्ट करिएगा, इसको अदरवाइज जो सिलेक्टेड होगा उसको रहने दीजिएगा। और बाय डिफॉल्ट भले ही आपने ACL इनेबल करके जो है बकेट क्रिएट किया हो, तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल अपलोड करेंगे ना वो प्राइवेटली रिकमेंडेड होगा, यानी कि प्राइवेटली ही अपलोड होगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हो, यानी कि इसको चेक करते हो, ग्रांट पब्लिक रीड एक्सेस, तो अब ये पब्लिक हो जाएगा, कुछ किसी को भी URL मिल गया इस फाइल का तो वो इजिली एक्सेस कर पाएगा। देखिए इसको चेक करिएगा और अपलोड पे क्लिक करिएगा। मैंने अपलोड कर दिया, ये रहा क्लॉक डॉट पीएनजी, इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको URL मिल जाएगा, कॉपी कर लीजिए और नए टैब में ला करके पेश करिए। इस तरीके से देखिए एक्सेस हो गया, यानी कि जो इमेज था वो एक्सेस हो चुका है। तो इमेज क्यों एक्सेस हो गया, क्योंकि आपने अपलोड करते समय डिसीजन लिया कि ये पब्लिकली अपलोड होगा। इसी तरीके से फिर से यहाँ क्लिक करिए और बकेट पे क्लिक करिए। बकेट में जाने के बाद आपको कोड जस्ट में जाना है, फिर से आप यहाँ से ऐड फाइल पे क्लिक करके या अपलोड पे क्लिक करके जरा एक नया ऐड फाइल करिए। ठीक है, मेरे पास लोगो के नाम से एक फाइल पड़ा हुआ है, तो ये रहा लोगो, मैंने इस पे क्लिक किया और ओपन कर दूंगा। नोटिस करिए परमिशन में जाता हूँ और इस बार मैं कुछ भी, यानी कि इसको ग्रैंड पब्लिक रीड एक्सेस को मैं चेक नहीं करता हूँ। तो ये क्या होगा, यानी कि ये किस तरीके से अपलोड होगा, तो ये आपका प्राइवेट अपलोड होगा। अगर आपने अपलोड करते समय उसको पब्लिक नहीं किया है तो ये प्राइवेटली अपलोड होगा। इस पे क्लिक करिए जरा लोगो डॉट पीएनजी पे, नोटिस करिए, URL आपको दिख जाएगा, कॉपी करिएगा और यहाँ नए टैब में पेस्ट करिएगा, तो ये एक्सेस नहीं होगा। ये देखिए क्या लिख कर रहा है, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि जो फाइल अपलोड हुआ है वो प्राइवेटली अपलोड हुआ है। तो चाहे आप ACL डिसेबल्ड करके अपलोड करिए, क्रिएट करिए बकेट, या आप ACL इनेबल करके बकेट क्रिएट करिए, फाइल आपका प्राइवेटली ही अपलोड होगा। लेकिन अगर आपने ACL इनेबल्ड करके बकेट क्रिएट किया है तो क्या होगा, अगर आपने ACL इनेबल्ड करके बकेट क्रिएट किया है तो आप अपलोड करते समय डिसीजन ले पाएंगे कि फाइल अपलोड प्राइवेटली होगा या पब्लिकली होगा। ठीक है, ये चीज आपने यहां से सीखा, यानी कि सॉफ्टवेयर से सीखा। यही चीज आप CMD से भी कर सकते हो, यानी कि ये चीज परमिशन आप सेट कर सकते हो कि वो पब्लिक रहेगा या प्राइवेट रहेगा CMD से भी। तो दोनों चीजें आपको सीखना है। ठीक है, अभी आइए जरा CMD से दोनों चीजें क्यों सीखना है समझ में आ जाएगा। तो जो आपका फाइल है वो कहाँ है, डेस्कटॉप पे है। ठीक है, तो सबसे पहले आप CD डेस्कटॉप इसको एक्सेस करिएगा, CLS कर लेते हैं। नोटिस करिए सबसे पहले मैं उस बकेट के अंदर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारा ACL डिसेबल्ड करके क्रिएट किया गया था, यानी कि बकेट पे क्लिक करिए। यहाँ पर ये देखिए, ये जो जस्ट AWS बकेट था ये हमारा ACL डिसेबल्ड करके बकेट क्रिएट किया गया था। तो इसमें मैं प्राइवेट या पब्लिक सेट करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले कोई भी कमांड स्टार्ट होगा तो वो AWS से स्टार्ट होगा। नोटिस करिए मैंने डेस्कटॉप क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि जो फाइल है हमारा वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो AWS लिखिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन करना है S3, यानी कि सर्विस कौन सा है वो डिफाइन करिए। कॉपी पेस्ट CP लिखिएगा इस तरीके से और फाइल का नाम दीजिएगा, तो logo1.p जो है JPG फाइल का नाम है, ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इस तरीके से। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करिएगा, जो भी आपने फोटो रखा होगा वही आप यूज करिएगा। मैंने ऑलरेडी फोटो रख दिया डेस्कटॉप पे, देख लीजिए जरा आप लोग, लोगो इस तरीके से ना फोटो मैंने ऑलरेडी रख दिया है, तो आप भी रख लीजिएगा फोटो कुछ। ठीक है, फाइल का नाम दे दीजिए, उसके बाद आपको बकेट का URL देना है। तो बकेट का URL कभी भी कैसे स्टार्ट होता है, S3 कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद बकेट का नाम, तो बकेट का नाम क्या है, जस्ट AWS डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, जस्ट AWS, परफेक्ट। डैश डैश ACL, यानी कि ACL सेट करने के लिए आपको लिखना डैश डैश ACL। और अगर आपको प्राइवेट फाइल रखना है तो यहाँ पर लिखिएगा प्राइवेट, अगर आपको पब्लिक रखना है तो यहाँ पर लिखिएगा इस तरीके से पब्लिक हाइफन रीड। बाय डिफॉल्ट अगर आपने ACL नहीं सेट किया तो क्या होगा, वो प्राइवेटली ही अपलोड होगा, तो आपको प्राइवेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा डैश डैश ACL, ये फ्लैग होता है, और यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिक हाइफन रीड। एंटर प्रेस करेंगे, नोटिस करिए यहाँ पर क्या मैसेज आया, अपलोड नहीं हुआ, एरर आ गया। ठीक है, एरर इसलिए आया, यानी कि एरर जो है इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो आपका बकेट था जस्ट AWS वो ACL डिसेबल्ड करके क्रिएट किया गया था, बस इसीलिए एरर आया है ना।
क्योंकि जिसका एसएल डिसेबल्ड करके आपने बकेट क्रिएट किया है, ठीक है, तो ये जो एरर आया है वो जनरली स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आया है। देखिए जरा, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आया, कॉपी करिए जरा इसको, फिर से हम लिखेंगे, ठीक है। तो CLS करिएगा इस तरीके से, फिर से मैंने राइट क्लिक करके पेस्ट किया और यहां पर मैंने ये डिफाइन किया, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए अभी जो एरर आया वो इसलिए आया, क्या लिख के आ रहा है यहां पर, देखिए, अपलोड फेल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नॉट सपोर्टेड, यानी कि इस बकेट में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नॉट सपोर्टेड, ACL, देखिए यहां पर क्या लिखा, द बकेट डज नॉट अलाउ ACL, यानी कि बकेट जो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि बकेट क्रिएट करते समय आपने ACL को डिसेबल्ड रखा था, ठीक है। अब जिस बकेट का हमने ACL इनेबल कर रखा है उसमें अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो जिस बकेट का आपने ACL इनेबल रखा है उसमें अपलोड करिए जरा। पहले तो आप लिखिएगा AWS S3, उसके बाद आपको लिखना है CP और अपने फाइल का नाम देना है। तो ऑलरेडी उस बकेट के अंदर, यानी कि ये जो बकेट था हमारा कोड जस्ट, इसके अंदर लोगो 1.jpg पड़ा हुआ है, तो मैं फाइल का नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ डेस्कटॉप पे जाने के बाद। ये रहा फाइल का नाम, मैं रिनेम कर देता हूँ इसको, यहाँ पर मैंने इसको लोगो कर दिया या लोगो 2 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने लोगो 2 कर दिया नाम CP। उसके बाद आपको डिफाइन करना है फाइल का नाम, तो फाइल का नेम क्या है, लोगो 2 ऐसे डिफाइन करिएगा, और उसके बाद आपको बकेट का URL देना है। तो कभी भी बकेट का URL कैसे स्टार्ट होगा, S3:// और यहां पर आपको डिफाइन करना है बकेट का नाम, तो जस्ट सॉरी कोड जस्ट है बकेट का नाम, तो डिफाइन करिएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको डिफाइन करना है परमिशन, तो परमिशन कैसे सेट करते हैं, --ACL, और अगर आपको पब्लिक रखना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा public-read। बाय डिफॉल्ट अगर आप परमिशन नहीं सेट करते हैं तो क्या होगा, वो प्राइवेटली ही अपलोड होगा। इंटरफेस कर दीजिएगा, नोटिस करिए लोगो 2, अच्छा लोगो 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो हमने एक्सटेंशन कोड नहीं डाला था, जरा एक्सटेंशन कोड के साथ लिखिएगा, तो लोगो 2.jpg एक्सटेंशन कोड मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और इंटरप्रेस कर देगा। नोटिस करिए फाइल अपलोड हो चुका है, यहाँ पर जाकर के देखेंगे, अगर यहाँ पर रिलोड करिएगा तो इसके अंदर लोगो 2.jpg भी आ चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यह रहा URL, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट करिए इस तरीके से, नोटिस करिए ये ओपन हो गया, परफेक्ट। अगर आपने अपलोड करते समय प्राइवेट सेट किया है, मान लीजिए ये मैंने कॉपी किया जो हमारा कमांड था और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, अपलोड करते समय मैं यहाँ से प्राइवेट सेट कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट रहता है, तो आप सेट भी कर सकते हो ऐसे प्राइवेट, और यहाँ पर रहने देता हूँ, या ये जो फोटो होगा डेस्कटॉप पे इसका नाम चेंज करिएगा, लोगो 3 कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि फोटो कहाँ गया, ठीक है, देखिए डेस्कटॉप पे होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो नेम है रिनेम कर लेंगे इस तरीके से, हम लोगो 3 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आपको लोगो 3.jpg एक्सेस करना है इस तरीके से, और फ्लैग देना है --ACL प्राइवेट, इंटरप्रेस करेंगे तो ये भी अपलोड होगा, लेकिन अब ये जो अपलोड हुआ है वो प्राइवेटली अपलोड हुआ है, ठीक है। तो प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको ACL सेट करने की जरूरत नहीं प्राइवेट के लिए, बाय डिफॉल्ट भी अपलोड हो जाएगा वो प्राइवेटली। बकेट पे क्लिक करिए इस तरीके से, कोड जस्ट में जाइए और लोगो 3 ये रहा, इस पर क्लिक करिए, ये रहा URL, कॉपी करिए, नए टैब में पेस्ट करेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि दोनों जगह से हमने ये काम क्यों किया, हमने सॉफ्टवेयर से भी काम किया, यानी कि यहाँ से भी काम किया वही चीज, और हमने CLI टूल से भी वही काम किया, क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो आपको सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, आपको एक्सेस दिया जाएगा CLI टूल से करने का, यानी कि आपको एक सीक्रेट एक्सेस की और सीक्रेट ID दे दी जाएगी। कैसे, आपने पहले दिन ही जनरेट किया था ना यहाँ से क्रेडेंशियल पे क्लिक करके, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा आपने जनरेट किया था, थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये रहा क्रिएट एक्सेस की, है ना, तो यहाँ पर क्लिक करते करके आप जनरेट करते हो, हमने जनरेट किया था पहले दिन, ठीक है। तो यही जनरेट करते समय आपको सर्विसेज के साथ इस सीक्रेट की एक्सेस की को अटैच कर दिया जाता है कि कौन कौन सा सर्विस आप एक्सेस कर पाएंगे, तो उसी सर्विस पे आप काम कर पाएंगे, आपको पूरे एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं दिया जाएगा, आपको CLI टूल का एक्सेस दिया जाएगा। तो ज्यादातर चांस है इंडस्ट्री वगैरह के लिए जब आप काम करेंगे तो आपको CLI से ही हैंडल करना होगा, इसीलिए आपको CLI से वर्क करने आना चाहिए। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जितना भी कमांड यूज किया था वो सब जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। और याद रहे ये जो आपका
सीक्रेट की ही आपको बार बार नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि जितना ज्यादा क्रिएट करेंगे इसका भी पैसा चार्ज किया जाता है। बकेट क्रिएट करने का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। बकेट में जब आप फाइल अपलोड करेंगे या फाइल डाउनलोड करेंगे बकेट के अंदर से, तब पैसा चार्ज किया जाएगा। लेकिन क्रिएट, ये जो आपने क्रिएट एक्सेस की, अगर आपने क्रिएट किया एक्सेस की वगैरह आपने जनरेट किया, तो उसके लिए मंथली पैसा चार्ज किया जाता है, बहुत कम चार्ज किया जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको हाई पेड सर्विसेज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा, अभी ये सब के लिए बहुत कम चार्ज आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप यहाँ पर आइएगा और ऐसे सर्च करिएगा S3 ब्राउजर डाउनलोड, ठीक है, S3 ब्राउजर डाउनलोड। इस तरीके से फर्स्ट लिंक देखिएगा, इस पर क्लिक करिएगा, और यह रहा EXE इंस्टॉलर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, देखिए डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इस पर क्लिक करिए और डबल क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। एस कर दीजिएगा, एस करने के बाद आपको यहाँ पर विंडो दिखेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए और फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपको एक छोटा सा विंडो दिखेगा, इस तरीके से आपसे एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की मांगा जाएगा। तो पहले दिन आपने जनरेट किया था, यानी कि ये चीज आपने जनरेट किया था, मैंने आपको बताया था जनरेट करना, ठीक है, यहीं से हमने जनरेट किया था। अगर आपने उसको लॉस कर दिया, मैंने तो खैर डाउनलोड करके रखा था उसको, मैंने डाउनलोड करके रखा था, नोटिस करिए, आपने भी डाउनलोड किया होगा, तो इस तरीके से आपको फाइल मिलेगा। जहां पर भी आपने डाउनलोड किया था वहीं से एक्सेस करिएगा, एक्सेस की आईडी, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद सीक्रेट एक्सेस की लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इधर का आपका एक्सेस की आईडी है और इधर का जो है कॉमा के बाद वाला, ये आपका सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। तो यही है आपका। तो अगर आपसे लॉस्ट हो चुका है, यानी कि आपने डाउनलोड किया था और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा, क्रिएट पे क्लिक करके आप क्रिएट कर सकते हैं इजिली। लेकिन ध्यान रहे, इस बार जब क्रिएट करना तो आप डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि इसका आगे और भी जगह पे यूज है, ठीक है। तो मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं मालूम है कैसे क्रिएट करना है तो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें क्रिएट करना बताया, बहुत ईजी है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट एक्सेस की पे क्लिक कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट होने के बाद उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको फाइल मिल जाएगा, उसके अंदर होगा एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की। मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आपको भी नहीं क्रिएट करना चाहिए, अगर आपने प्रीवियसली डाउनलोड करके रखा है तो उसी का यूज करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, और ये रहा आपका एक्सेस की आईडी, कॉपी कर लीजिए और S3 में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना एक्सेस की आईडी, उसके बाद आपको सीक्रेट एक्सेस की, ये रहा कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आपको डिफाइन कर देना ला कर, ठीक है, कंट्रोल वी कर दीजिए इस तरीके से, और एड ए न्यू अकाउंट इस पे क्लिक कर दीजिए, पेशेंस रखेंगे, जब ये कनेक्ट होगा, देखिए पेशेंस रखिएगा, देखिए कनेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका जो AWS में बकेट होगा वो सब आपको यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। देखिए कोड जस्ट हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर जो भी फोटोज वगैरह सब दिख रहा है, जस्ट AWS हमने क्रिएट कर रखा था, ठीक है। तो भी बकेट रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसको कट करके जब आप फिर से S3 ब्राउजर को ओपन करेंगे इस तरीके से, ये देखिए मैंने ओपन किया, तो नोटिस करिए अब यहाँ पर आपने जो भी बकेट क्रिएट कर रखा होगा वही दिखेगा, कोड जस्ट, जस्ट AWS और LMS जस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर का फाइल सारा है ना, ये ब्राउजर क्यों डाउनलोड करवाया गया है वो आपको आगे पता चलेगा, फिलहाल इसको डाउनलोड करके रखिएगा। आई होप चीजें क्लियर होंगी, किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सून, जय हिंद जय भारत।